आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जब इंडस्ट्री में आई तो इनके लुक्स के बहुत चर्चे हुए, क्योंकि एक ब्यूटी क्वीन को ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल किया करती थी। जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स ट्वेल्थ पास करके कॉलेज में जाते हैं, ये ट्वेल्थ पास करते ही इंडस्ट्री में आ गई। इन्हें सलमान खान की लकी गर्ल कहा जाता है और ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्नेहा उलाल की। स्नेहा उलाल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक पीआर एक्टिविटी बनी स्नेहा उलाल के करियर बर्बादी का कारण, क्यों स्नेहा उलाल सलमान खान को न सिर्फ अपना मेंटोर बल्कि अपना गॉडफादर मानती है, और कैसे एक गंभीर बीमारी से गुजरी है स्नेहा उलाल। स्नेहा उलाल का बचपन का ज्यादातर समय मस्कट में ही बीता है। मस्कट के एक इंडियन स्कूल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। कुछ सालों तक मस्कट में रहने के बाद स्नेहा उलाल की फैमिली इंडिया आ गई। यहाँ पर आकर मुंबई में ये सेटल हो गई। मुंबई के वर्तक और एमएम के कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। जिस वक्त स्नेहा उलाल एमएम के कॉलेज में थी, तब वहाँ पर सलमान खान की बहन अर्पिता खान का भी आना जाना रहता था, और यही कारण है कि कई मुलाकातों के बाद स्नेहा और अर्पिता दोनों के बीच दोस्ती हो गई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और रोज मिलना जुलना हुआ करता था। इसी दौरान एक दिन स्नेहा उलाल जब अपने घर पर थी, तब उनके घर की फोन की घंटी बजती है और उधर से आवाज आती है कि हेलो, मैं सलमान खान बोल रहा हूँ। स्नेहा को लगा कि किसी ने मजाक किया है, तो उन्होंने फोन रख दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ और रिपीट मोड पर स्नेहा ने भी हर बार फोन काट दिया। एक्चुअली उस दौरान स्नेहा उलाल एक पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उनकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी, उनकी मॉम को कैंसर हो गया था, कीमोथेरेपीज उनकी मॉम की चल रही थी, और कई महीनों तक स्नेहा का हॉस्पिटल का चक्कर लगाना रोज की एक बात थी। 2-3 महीनों बाद जब सब कुछ ठीक हुआ, स्नेहा की मॉम घर पर आई, तो स्नेहा ने अपनी मॉम को ये पूरा इंसिडेंट बताया, और जिस नंबर से वो कॉल्स आए थे सलमान खान के नाम के, वो नंबर उन्होंने अपनी मॉम को दे दिया। स्नेहा की मॉम ने खुद उस नंबर को डायल करके जानने की कोशिश की कि आखिर कौन शख्स है और वो ऐसा मजाक क्यों करेगा। तब स्नेहा की मॉम को पता चला कि वाकई में वो जो कॉल था वो सलमान खान का ही था, और सलमान खान स्नेहा को एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। एक्चुअली अर्पिता खान ने सलमान खान को स्नेहा के बारे में बताया था, और स्नेहा का नंबर अर्पिता ने ही सलमान खान को दिया था, जिसके बाद सलमान खान उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे और वो स्नेहा को कास्ट करना चाहते थे। स्नेहा को कास्ट करने के पीछे सलमान खान का एक निजी कारण भी था, वो ये कि स्नेहा के लुक्स हूबहू ऐश्वर्या राय जैसे लगते थे। इनफैक्ट जो पहली फिल्म सलमान खान ने स्नेहा के साथ की, उसमें एक पर्टिकुलर सॉन्ग आके भर लो बाहों में, उसमें स्नेहा को डिट्टो ऐश्वर्या की तरह ही रेडी किया गया। जैसा मेकअप, जैसा लुक ऐश्वर्या का आंखों की गुस्ताखिया फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम में था, वैसा ही गेटअप स्नेहा के लिए भी रखा गया। इस फिल्म में स्नेहा के साथ एक और एक्ट्रेस नजर आई थी, जो कि सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म में नजर आ चुकी है, मेहरविज। उन्होंने इस फिल्म में स्नेहा की फ्रेंड का रोल किया था। सोहेल खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में काम करने के लिए स्नेहा ने अपनी पढ़ाई से गैप ले लिया था, और वो काफी एक्साइटेड थी कि सलमान खान की हीरोइन बनने जा रही है। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो सारे अरमान जो है वो आंसुओं में बह गए, क्योंकि फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। लेकिन एक बात की खुशी थी कि स्नेहा को बड़े पैमाने पर रिकॉग्निशन मिला। सबसे पहली बात तो सलमान की हीरोइन बनकर वो इंडस्ट्री में आई, तो ऑलरेडी वो सबकी नज़रों में आ गई, और दूसरा उनकी लुक्स, और उनको प्रमोट भी इंडस्ट्री में ऐश्वर्या के लुक अलाइक के रूप में ही किया गया। ये पीआर स्टंट था जिसने कि उस टाइम स्नेहा के फेवर में काम किया था, लेकिन बाद में यही पीआर स्टंट बैकफायर हो गया। स्नेहा को हर बार ऐश्वर्या से ही कंपेयर किया गया, और जाहिर सी बात है स्नेहा और ऐश्वर्या में बहुत फर्क है। ऐसे में आगे चलकर इस चीज का खामियाजा स्नेहा को खूब भुगतना पड़ा। फिल्म लकी के बाद स्नेहा को फिल्म के ऑफर्स तो आए, लेकिन उन्होंने कोई भी ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए। इनफैक्ट 2 सालों तक वो इंडस्ट्री से दूर रही, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद स्नेहा फिर से एक्टिव हो गई। इसी दौरान सलमान खान के बैनर की ही फिल्म
आर्यन बन रही थी और इस फिल्म में एक बार फिर से स्नेहा को कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इस फिल्म से भी स्नेहा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। सलमान के एक्ट्रेस होने के बावजूद, ऐश्वर्या राय से उनकी खूबसूरती का कंपैरिजन होने के बावजूद, फिल्म इंडस्ट्री में स्नेहा अपना नाम नहीं बना पाई थी। इसी दौरान स्नेहा को जब बॉलीवुड में कुछ काम नहीं मिल रहा था, तब साउथ से कुछ अच्छे ऑफर्स आए और एक बहुत बड़ी फिल्म उन्हें मिली। इस फिल्म को साइन करने से पहले स्नेहा सलमान खान से मिलना चाहती थी और उनसे पूछना चाहती थी कि क्या साउथ फिल्मों में इस वक्त काम करना उनके लिए ठीक रहेगा। तो सलमान खान ने उन्हें यही कहा कि तुम पहले फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी और अब खुद फिल्में तुम्हारे पास आ रही है, तो शायद तुम इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बनी हो। सलमान के इन शब्दों के बाद स्नेहा ने बहुत ही पॉजिटिव महसूस किया और उन्होंने इस फिल्म को साइन किया। ये फिल्म उनके लिए लकी साबित हुई। जो सक्सेस स्नेहा अब तक बॉलीवुड फिल्मों में ढूंढ रही थी, वो सक्सेस उन्हें साउथ में जाकर मिली। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। इसके बाद साउथ में ही स्नेहा काम करने लगी। वो एक रेगुलर एक्ट्रेस बन गई वहां की और वहां से वो बिजी रहने लग गई। स्नेहा साउथ में काम कर रही थी लेकिन बॉलीवुड उनका अल्टीमेट टारगेट था। यही कारण था कि उन्होंने 2015 में एक बार फिर से इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश की। इस बार फिल्म थी बेजुबा इश्क, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बेजुबा ही बनकर निकल गई और ये कमबैक भी स्नेहा का एकदम फ्लॉप रहा। जिस वक्त स्नेहा उल्लाल इंडस्ट्री में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। 2016 में स्नेहा उल्लाल को एक ऐसी बीमारी हो गई जिस कारण वो 30 से 40 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती थी। उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जितने भी कमिटमेंट्स थे वो पूरे किए, लेकिन बाद में हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर करने के कारण उनकी ये जो प्रॉब्लम थी और ज़्यादा बढ़ गई और कई दिनों तक स्नेहा उल्लाल को बेड रेस्ट ही करना पड़ा। सालों तक उनका ट्रीटमेंट चला और ऐसा टाइम हो गया कि इंडस्ट्री से स्नेहा उल्लाल गायब ही हो गई। जिस लड़की को ऐश्वर्या की लुक लाइक कहकर और सलमान की एक्ट्रेस कहकर इंडस्ट्री ने वेलकम किया था, वो आज लॉस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आ चुकी थी। हालांकि स्नेहा ने अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई, तब उन्होंने मीडिया को बताया कि क्यों वो इंडस्ट्री से अचानक से गायब हो गई थी। उनके गायब होने का कारण उनका फ्लॉप करियर नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके पास काम नहीं है, बल्कि उनके हेल्थ इश्यूज थे। और ठीक होने के बाद स्नेहा ने शुरुआत की OTT प्लेटफॉर्म से एक्सपायरी डेट, जो कि एक सीरीज थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बेस्ड, उसमें उन्होंने काम किया है। जहां तक बात है स्नेहा उल्लाल की पर्सनल लाइफ की, तो उनके अफेयर्स की खबरें तब आई थी जब मार्शल आर्ट्स के एसोसिएशन के लीडर के साथ उनके चर्चे चले। अवि मित्तल करके ये शख्स है जिसके साथ स्नेहा ने कुछ समय तक डेट किया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सालों तक एक्ट्रेसेस काम करती है, स्ट्रगल करती है इस इच्छा में कि कभी तो बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का चांस लग जाए। कितनी ही एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खान्स के साथ काम करके अपने करियर को नई ऊंचाई दी, इसमें बिपाशा बासु और अनुष्का शर्मा जैसी एक्ट्रेसेस का नाम शामिल है। ऐसे में स्नेहा उल्लाल, जिन्होंने खान के साथ ही अपनी करियर की शुरुआत की और वो बॉलीवुड में ज़्यादा बड़ा नाम नहीं कमा पाई, ये प्रूव करता है कि सुपरस्टार कितना भी बड़ा हो वो मायने नहीं रखता है। आपके अंदर कितनी भूख है, कितना टैलेंट है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्नेहा उल्लाल और जरीन खान की स्टोरी सेम सी लगती है। दोनों ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया सलमान खान के साथ ही। जहां स्नेहा उल्लाल को ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक कहा गया, वहीं जरीन खान को कटरीना कैफ की लुक अलाइक कहा गया और दोनों को ही इंडस्ट्री ने लुक अलाइक कहकर ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जब ओरिजिनल है तो फिर हम तुम्हारे साथ क्यों काम करेंगे। और यही वो PR एक्टिविटी थी जो इनिशियली जब स्नेहा को लॉन्च किया था, तब इस PR एक्टिविटी ने उनको पहचान दिलाने में मदद की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद लंबे समय तक यही कारण बना उनके करियर को डैमेज करने का। वेल, आपको क्या लगता है स्नेहा उल्लाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यों नहीं चल पाई? ऐश्वर्या के लुक अलाइक होने के कारण, एक्टिंग का टैलेंट नहीं होने के कारण, लुक से कुछ नहीं होता है, सलमान खान के साथ लॉन्च होने के कारण, क्योंकि सलमान की जो फिल्में होती है उनमें एक्ट्रेसेस के करने के लिए कुछ नहीं होता है, सारा ध्यान सलमान खान पर ही जाता है, या फिर वो एक आउटसाइडर थी इसलिए, या फिर कोई और कारण? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।